नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी को शुभ संध्या। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को आइए हम सब करते हैं जबरदस्त तरीके से। आज हम सब जो है पढ़ेंगे, ठीक। तो रोज की तरह आज भी हम सब एकदम आपको जो है कि 35वीं सुपर टेट की श्रृंखला है और जबरदस्त शानदार हम लोगों का होना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला ही आपके सामने प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? पृथ्वीराज कपूर को, श्रीमती देविका रानी को, श्रीमती कानन देवी को, वीएन सरकार को? तो पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार की यदि बात की जाए, इसकी शुरुआत की, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई और उसमें श्रीमती देविका रानी जी को पहली व्यक्ति हैं, पहली महिला भी हैं और पहले आपको पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो श्रीमती देविका रानी जी आपको पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। जबकि 2018 ईस्वी में आपको 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है, अमिताभ बच्चन साहब को दिया गया है, ठीक ना, बच्चन साहब को। और 2019 ईस्वी में आपको रजनीकांत को जो है के दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो सिनेमा में भारतीय चलचित्र में सर्वाधिक योगदान के लिए, उनके योगदान के लिए आपको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? चलचित्र से, खेल कूद से, साहित्य से या चित्रकला से? जल्दी से फटाफट सभी लोग एक बार शेयर और लाइक कर दीजिएगा, देखिएगा महत्वपूर्ण बातों को, ठीक ना। तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल कूद से संबंधित है। वैसे अर्जुन पुरस्कार की बात की जाए तो इसे कब शुरू किया गया था? तो 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए धनराशि के रूप में आपको दिया जाता है। कितना? 15 लाख रुपए। बात की जाए 2021 ईस्वी में कितने लोगों को आपको अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो 2021 में आपको जो है 35 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये प्रमुख बातें आप सबके लिए रहे, चीजें समझते चलिएगा। सूर्यास्त कानून किस भूमि कर व्यवस्था से संबंधित है? स्थाई बंदोबस्त, महालवाड़े, रैयतवाड़े या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये बड़ा ही नवीन प्रश्न है, आप सब करके दिखाइए और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो यह व्यवस्था जो है ये किससे संबंधित है? स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से। स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को कई नामों से जानते हैं, जैसे इसे आपको जो है जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, इसे विश्वादारी व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक ना, विश्वादारी व्यवस्था। इसे इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। ये व्यवस्था आपको जो है कि 1793 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा इसकी शुरुआत हुई। और क्षेत्र इसके लिए कब हुआ? तो क्षेत्र जो था ये आपको क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल, ठीक ना, यानी बंगाल उस समय का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी का वाराणसी क्षेत्र जो है, बनारस क्षेत्र इसके लिए जाना जाता है। ये संपूर्ण भूमिका कितने प्रतिशत पर लागू था? तो 19% भूभाग पर यह लागू था। और कितना कर लिया जाता था? तो 1/11 भाग जो था ये जमींदारों के पास होता था, जमींदार के पास, और 10/11 भाग जो था
अंग्रेजों के पास होता था। ये बातें भी आप सब जानते चलिए, इसके बाहर इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक ना। ये बातें कॉपी कलम लेकर बैठा करिए, चीजें आपके सामने रहेंगी। नेक्स्ट देखिए, प्रार्थना समाज के स्थापना कब हुई, 1951 में, 1955 में, 57 में या सॉरी सब 1851, 55, 57 और 67। तो आत्मा ये आपको प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से, तो बताइएगा कि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, प्रेरणा से इसकी स्थापना जो है, स्थापना आपको स्थापना करता कौन थे, तो स्थापना करता आत्माराम पांडुरंग और आपको जो प्लस जो है कि एम जी रानाडे महादेव गोविंद रानाडे जो थे इसकी स्थापना करता थे। और आपको इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में आपको कहाँ किया गया, तो मुंबई में इसकी स्थापना की गई। इसे आपको जो है आर्य समाज को पश्चिम भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं, ठीक ना, ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें भी आप सब जानते चलिए, देखते चलिए, जो भी चीजें हैं नोट करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की थी, बीरबल को, मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना को, मिर्जा मनोहर शेखावत को या राजा मान सिंह को। तो फरजंद की उपाधि आपको राजा मान सिंह को प्रदान किया था। ये आपको मानबाई का भाई था, साथ ही साथ हरखाबाई का भतीजा भी हुआ करते थे, ठीक ना। वहीं पे बीरबल को कविराज की उपाधि दी थी, जबकि अकबर के द्वारा कविराज के, जबकि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु के उपाधि दी थी। तो ये बातें भी आप लोग, फरजंद के उपाधि किसे दी, तो राजा मान सिंह को। राजा मान सिंह बीरबल के नवरत्न, अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक। तथा सेनापति भी ये हुआ करते थे। ये कश्मीर के भी आपको सूबेदार रह चुके थे, बंगाल के भी, बिहार के भी, कई जगह के सूबेदारी इनके पास थी। अभी ऑर्डर करें अपने तुरंत नजदीक के बुक स्टॉल से और आपको शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला दे दी जाएगी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था, अली गौहर शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम जो था ये अली गौहर था। और शाह आलम द्वितीय के समय में ही आपको बता दूं कि बक्सर का युद्ध किसके समय में लड़ा गया, तो शाह आलम द्वितीय के समय में लड़ा गया। शाह आलम द्वितीय के समय में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहली बार स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की बातें की जाए तो इन्हीं के समय में शुरू हुआ। साथ ही साथ बंगाल में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत इन्हीं के समय में शुरू हुआ। तो ढेर सारी बातें आपको शाह आलम द्वितीय से संबंधित है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में, मैत्रणी संहिता में, तैत्रीय संहिता में या शतपथ ब्राह्मण में, तब बताएगा कि पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये आपको शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण जो है ये इसके रचनाकार कौन है, रचनाकार तब बताएगा याज्ञवल्क्य जो है, याज्ञवल्क्य जो है इसके आपको रचनाकार है। ये किस वेद का ब्राह्मण है, वेद किसका ब्राह्मण है, तो शुक्ल यजुर्वेद का आपको यह ब्राह्मण है। साथ साथ ही इसमें सल्व सूत्र की भांति इसमें ज्यामितीय गणित का उल्लेख मिलता है। इसी में जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है।
इसी में आपको महत्वपूर्ण बातों में यदि जानना हो तो इसी में राम और सीता के बीच जो आपको जो है कि प्रथम दृश्य का वर्णन इसी में मिलता है, तो ढेर सारी बातें आपको जो है कि इसमें प्राप्त होता है। चलिए, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, जिगजैग, हॉरिजेंटली, वर्टिकली या डायगोनली? तो मॉनिटर के डिस्प्ले को मापने के लिए भैया डायगोनली इस्तेमाल करते हैं, डायगोनल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाले पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है, ट्रैक बॉल है या टच पैड है या टच स्क्रीन है या माउस है? तो सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाले टाइपिंग आपको जो है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस माउस होता है, ठीक ना। माउस जो है सबसे अधिक प्रयोग में किया जाने वाला इनपुट डिवाइस माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस भारतीय जीआई उत्पाद को यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग दिया गया है, जुड़ीमा चावल को या जोहत मेहंदी को या सिरा खोंग मिर्च को या कांगड़ा चाय को? तो हाल ही में आपको कांगड़ा चाय जो है हिमाचल प्रदेश की चाय है, हिमाचल प्रदेश के चाय कांगड़ा चाय को जो है ये आपको क्या दिया गया है, तो यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक ना। तो जबरदस्त तरीके से क्लास को शेयर और लाइक करते चलिए, शानदार महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी इंडिविजुअल का क्लास शानदार तरीके से आप सबको नितिन सर ने पढ़ाया है, इसे जरूर परचेज करिए और पढ़िए, तन्मयता के साथ, लगन के साथ पढ़िएगा, परीक्षा आपके मुट्ठी में रहेगी, ये गारंटी हम सब की है। सिर्फ पढ़ना काम आपका है, बाकी आप किसी भी तरह से सहयोग ले सकते हैं। हमारी संस्था की ओर से वीडियो की किताब आ चुकी है, साथ ही साथ लेखपाल की चारों श्रृंखला आप सब देख ही रहे हैं, और इसके साथ ही सुपर टेट की भी बुक हम सब जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, जल्द ही सुपर टेट भी आने वाली है। आप सब बने रहिए, धैर्यता के साथ रखे रहिए और देखिए किस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ा होता है, तो 23 दुनी 46 यानी 23 गुने 2 करोगे 46 आएगा। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 46 आपको मानव गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। औरंगजेब के काल में लेखकों तथा उनकी रचनाओं में से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा आलमगीरी नामा नामक पुस्तक लिखा गया है, मोहम्मद साकी के द्वारा सुखालत उल तवारीख, यही पुस्तक भैया मोहम्मद साकी के द्वारा नहीं लिखा गया है, भीमसेन के द्वारा नुक्सा ए दिलकुशा, ईश्वर दास नागर के द्वारा फुतुहात ए आलमगीरी लिखी गई है, ठीक ना। तो ये बातें आप सब लर्न करते चलिए। बायोगैस तथा संपीड़ित गैस जिसे हम सीएनजी बोलते हैं, सीएनजी, ठीक ना, ये बायोगैस और सीएनजी गैस का प्रमुख घटक क्या होता है, मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, आइसोब्यूट आपको ब्यूटेन होता है, तो मीथेन जो है ये आपको बायोगैस और संपीड़ित गैस का ये आपको प्रमुख घटक होता है। मीथेन गैस और कहां कहां पाया जाता है, तो धान के खेत में, ठीक ना, आर्द्र भूमि क्षेत्र में, पशुओं जब जुगाली करते हैं यानी जबड़े को चलाते हैं तो उनके मुख से भी निकलता है, पशुओं के जुगाली करते समय उनके मुख से आपको निकलता है, ये प्रमुख बातें आप लोग जानते रहिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिमंडल में मंत्री अपना पद धारण करते हैं, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत या राज्यसभा के सभापति के प्रसाद पर्यंत, किसके प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं।
ठीक ना, जो राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री हुआ चाहे मंत्री संघीय मंत्री परिषद, ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? शून्य होता है, अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तनशील रहता है, या सभी गलत है? इस प्रश्न में आपको क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जल्दी से जवाब बताइए। तो इस प्रश्न का जवाब आपको ये होना चाहिए कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाए तो उसके भार में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अपरिवर्तनीय रहती है। ठीक ना, अपरिवर्तनीय रहती है। नेक्स्ट, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का शानदार बैच संचालित है, साथ ही साथ सुपर टेट के भी बैच हमारी संस्था की ओर से संचालित है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, आप सबके सुनहरे भविष्य में काफी सहायक भी होगा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ये महाभियोग का मुकदमा एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिस पर महाभियोग चला, वॉरेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड कार्नवालिस है, लॉर्ड वेलेसली है, तो वह लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स है। और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स का यदि कार्यकाल देखा जाए तो इसका कार्यकाल आपको 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक माना जाता है। इसके समय में इसने पहला काम क्या किया था? तो पहला काम इसी के द्वारा आपको जो है कि बंगाल में लागू 1772 ईस्वी में बंगाल में लागू द्वैध शासन को समाप्त किया, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया, शासन को समाप्त किया, ये महत्वपूर्ण बातें भर बता रहे हैं। फिर 1773 ईस्वी में इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसी के द्वारा आपको सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई गई। इसी के समय में 1784 ईस्वी में आपको जो है कि पिट्स का इंडिया एक्ट आपको आया। तो ये ढेर सारी बातें इसके समय के प्रमुख घटनाओं में से एक है, ठीक ना, ये मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, पिकासो का नाम किससे संबंधित है? तो पिकासो बहुत बड़ा चित्रकार था, ठीक ना, ये पिकासो पाब्लो पिकासो, इसका पूरा नाम पाब्लो पिकासो था, और ये स्पेन का बड़ा प्रसिद्ध चित्रकार था, स्पेन का चित्रकार था। और इसकी चित्रकार ये किससे संबंधित है? तो पाब्लो पिकासो जो है ये चित्रकला से संबंधित माना जाता है, ठीक ना। और इसके द्वारा जो है भारत सरकार के द्वारा डाक विभाग में पहली बार 1932 ईस्वी में पाब्लो पिकासो के चित्र के डाक टिकट जारी किया गया, यानी कह सकते हो 1932 में भारत सरकार द्वारा पिकासो के चित्र पर डाक टिकट जारी किया गया। ये बातें आप सब जान सकते हैं, एक्स्ट्रा बातें हैं। पोंग बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध आपको है। यदि बात की जाए रावी नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर आपको कौन सा बांध मिलेगा? तो रावी पर शाहपुरखंडी बांध ये आपको मिलेगा। वहीं आपको चिनाब पर दुलहस्ती बांध मिलेगा। और ये जो है ब्यास नदी पर आपको कौन सा बांध है? तो पोंग बांध जो है ये ब्यास नदी पर आपको प्राप्त होगा, ठीक ना, ब्यास नदी पर होगा। भारत की सती प्रथा को समाप्त किसने किया? तो भारत में सती प्रथा को के समाप्ति आपको कब हुए? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा के समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ, ठीक ना, बेंटिक के कार्यकाल में। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से
सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। वैसे आप नोट कर सकते हैं सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख कहां मिलता है, उल्लेख कहां मिलता है, तो सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख उल्लेख ठीक ना एरण अभिलेख में मिलता है। एरण अभिलेख में आपको मिलता है, ये बातें भी याद रखे रहे। तो इस तरह आपको लॉर्ड बेंटिक विलियम बेंटिक के कार्यकाल में आपको राजा राम मोहन राय के सहयोग से ठीक ना राजा राम मोहन राय के सहयोग से राजा राम मोहन मोहन राजा राम क्या भैया काहे आज गुस्सा हो जा रहे हो ठीक ना राजा राम मोहन राय के सहयोग से आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। नेक्स्ट आपको सूची वन को सूची दो से सुमिलित कीजिए तथा कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहीं पे विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सा तो पंचतंत्र लिखा जाता है, विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम लिखा जाता है, भारवी के द्वारा किराता अर्जुनियम लिखा जाता है, शूद्रक के द्वारा मृक्ष कटिकम लिखा जाता है ठीक ना मृक्ष कटिकम ठीक। तो इस तरह से आप पहले का चौथा कहीं है, पहले का चौथा एक ही में मिल गया ठीक ना, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, और इस तरह से आपको ऑप्शन संख्या वन इज योर राइट आंसर होगा, एक विकल्प बिल्कुल सही और सटीक माना जाएगा ठीक। नेक्स्ट देखिए ये राजस्व लेखपाल नया बैच प्रारंभ है हमारी संस्था की ओर से, 600 आवर का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है और ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा आपको दी गई है, यानी आप सब ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शानदार तरीके से आप सबके लिए है। नेक्स्ट देखिए तेंदुलकर कमिटी का संबंध किससे है, बेरोजगारी के आकलन से, गरीबी के आकलन से, प्रति व्यक्ति आय के आकलन से या पर्यावरणीय मूल्यांकन से, इसका संबंध किससे है, तब बताएगा कि तेंदुलकर समिति यानी विजय तेंदुलकर जो है ये तेंदुलकर समिति इन्हीं के नेतृत्व में आपको गठित हुआ और ये तेंदुलकर समिति का कार्य जो था ये बेरोजगारी का आकलन करना था ठीक ना, बेरोजगारी के आकलन से आपको संबंधित तेंदुलकर सॉरी बेरोजगारी नहीं भैया एक मिनट गरीबी से, बेरोजगारी से तो गलती हो गया ना, ये आपको किससे था तो गरीबी के आकलन से आपको तेंदुलकर समिति संबंधित था। और तेंदुलकर समिति का गठन यदि बात की जाए तो इसका गठन जो है 2009 ईस्वी में किया गया और इसने रिपोर्ट कब सौंपी तो रिपोर्ट 2012 ईस्वी में इसने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी ठीक ना। तो ये आपको गरीबी से संबंधित तेंदुलकर समिति और इनके द्वारा बड़ी बात में इनकी निंदा की गई थी क्योंकि इन्होंने 32 रुपया आय जो है गरीबी रेखा से ऊपर माना था, यानी 32 रुपया जो कमाता है वो रोज खा सकता है, क्या संभव है 32 रुपया का तो आपको एक आधा लीटर दूध मिलता है, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या कहा जाए ठीक ना, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए कुछ कहने के लिए नहीं है। जनहित याचिका यानी PIL जो है भारत के उच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत स्वीकार की जाती है, तो उच्च न्यायालय के द्वारा आपको बच्चा ये आर्टिकल नंबर 226 के तहत स्वीकार की जाती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपको किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा PIL दाखिल किया जा सकता है। वैसे जनहित याचिका के विषय में ये कहां से लिया गया है, तो सर्वप्रथम 1980 के दशक में इसकी शुरुआत जो है USA में हुई और भारत में भी USA से लिया गया है, कहां से लिया गया है तो USA से इसे लिया गया है ठीक ना लिया गया है। और इसे भारत में इसका जनक किसे कहते हैं, तो PN भगवती
पीएन भगवते जी को आपको जो है इसका जनक कहा जाता है, पीएन भगवते पीआईएल के माने जाते हैं। और ये आर्टिकल 32 के तहत है, 5 प्रकार से रिटें जारी की जाती है माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक ना। तो जल्दी से आप सब फटाफट एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। संख्या में एकदम दयनीय है, मैं क्या देखूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, तो 180 डिग्री देशांतर को आपको जो है 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। 180 डिग्री देशांतर, ये डिग्री है बच्चा, ये सब के सब डिग्री है, ठीक ना। ये 0 डिग्री है, 0-0 नहीं है, ठीक। तो ये डिग्री के रूप में मानिएगा, ठीक। तो ये आपको बातें हो जाएंगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न में देखिए, अयोध्या निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी, यमुना नदी, घाघरा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको गोमती नदी पर कौन कौन है, लखनऊ है, ठीक ना, पीलीभीत है, पीलीभीत भी है, जौनपुर भी है, ठीक ना। ये सब के सब किस पर है, यमुना नदी पर कौन कौन है, तो आगरा है, दिल्ली है, दिल्ली है, आपको जो है कि ये प्रमुख है। वैसी तरह घाघरा नदी, इसका नाम जो है इस पर स्थित प्रमुख आपको कौन से हैं, तो अयोध्या, अयोध्या, ठीक ना। और बलिया भी घाघरा नदी पर, घाघरा और जो है गंगा के संगम पर है, तो ये घाघरा नदी का नाम जो है सरयू के नाम से, सरयू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। और अयोध्या जो है ये भगवान राम की भूमि के रूप में जाना जाता है। अयोध्या की राजधानी, आप सबको कोसल देश की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें। चलिए नेक्स्ट देखिए, जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में। तो जीवाश्म नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, कहां पे, मध्य प्रदेश में आपको स्थित है। और मध्य प्रदेश के खासकर एक बात, डिंडोरी जिला जो है ये यहीं पर स्थित है, कहां पे, मध्य प्रदेश के डिंडोरी, डिंडोरी जिला में स्थित है। और ये किसके लिए है, तो ये पौधों का जीवाश्म माना जाता है, ठीक ना। ये पौधों के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है, पौधों के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है, उद्यान माना जाता है। ये बातें लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट, एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शानदार हमारे संस्था की ओर से इसे पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। 100 आवर का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, साथ ही साथ ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा दी गई है। इसके साथ साथ ही यूपी पेट के बैच भी हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से संचालित है। इसमें भी आपको 500 वीडियो लेक्चर है, रिवीजन बूस्टर के रूप में है, क्विक आपको वीडियो सॉल्यूशन है, डाउट सेशन भी है। और आप 7007734525 पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक ना। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देने से संग्रहित है, तो इसका उल्लेख राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। और आर्टिकल नंबर 51 अनुच्छेद जो है 51 में इस बात का संकल्पना किया गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा, यह उसका जिम्मेदारी है। तो इसी तरह आप सब, ये विदेश नीति का प्रमुख भाग भी माना जाता है, क्या माना जाता है, तो विदेश नीति, ठीक ना, विदेश नीति का प्रमुख भाग, ठीक ना, प्रमुख अनुच्छेद या अंश कह लो माना जाता है। तो ये आपको प्रमुख बातें। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थलों के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा में, कालीबंगा में, लूथल में या मोहनजोदड़ो में। तब भैया ये बताइएगा कि कुआं के अवशेष जो हैं, घरों में कुओं के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो के उत्खनन जो है
उत्खनन, इसका उत्खनन जो है 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। ये आपको इसका सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। कहां पे? दाएं तट पर आपको स्थित है। यहीं से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जैसे सबसे बड़ा अन्नागार, यहीं से आपको स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार यहीं से आपको जो है कि नर्तकी की प्रतिमा ये सभी आपको जो है यहीं से प्राप्त हुआ है। ये प्रमुख बातें आप लोग याद रखे रहिए, लर्न किए रहिए, चीजों को समझते चलिए। नेक्स्ट देखिए, घात करो और छिप जाओ नामक नाम से विख्यात विषाणु है। ये VRSV विषाणु, डाबेर विषाणु, HIV विषाणु या इनमें से कोई नहीं। तब घात करो और छिप जाओ, ये कौन सी बीमारी है? तब बताइएगा कि घात करो और छिप जाओ, ये आपको जो है कि RSV विषाणु है। ये विषाणु आपको जो है इसका प्रभाव सबसे अधिक छोटे बच्चों पर देखने को मिलता है। किस पर? छोटे बच्चों पर आपको जो है बच्चों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और उस तरह से यदि बात की जाए तो रेस्पिरेटरी साइनिटिकल वायरस इसका जो है नाम पड़ता है। ये बातें भी आप लोग याद रखे रहे। नेक्स्ट देखिए, मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वियना, जनेवा या हेग में? तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है ये 10 दिसंबर आपको जो है 1948 ईस्वी को इसके स्थापना हुई। इसी कारण 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बातें मानवाधिकार दिवस, ठीक ना, के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय आपको जिनेवा में है। जबकि भारत में बात की जाए तो 12 अक्टूबर आपको 1993 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र ये उस समय की थे। और यदि बात की जाए वर्तमान में इसके कौन हैं? तो अरुण कुमार मिश्र जो हैं ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ठीक ना। तो ये बातें भी याद रखी रही है। किसके शासन काल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटी? तो ब्लैक होल की दुर्घटना जो है 20 जून 1756 ईस्वी को सिराज दौला के आपको शासन काल में घटी। इसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो इसका प्रत्यक्षदर्शी, ठीक ना, इसका प्रत्यक्षदर्शी आपको एक अंग्रेज अधिकारी था जिसे हॉलवेल के नाम से जानते हैं। कौन? हॉलवेल जो था इसका प्रत्यक्षदर्शी था। इसने ये एक घटना कोरी घटना बनाई और समाज में उसमें सुनाया कि इस घटना में इसने ये बताया कि 18 फुट लंबा 14 फुट 10 इंच चौड़े में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया जिसमें मात्र 23 लोग जीवित बचे, ठीक ना। इस घटना से आपको जो है कि अंग्रेज लोग काफी आहत हुए, चूंकि इसके पहले अली नगर की संधि हुए थे लेकिन सिराजुद्दौला को यह आरोप लगा कि इसने जो है संधि को तोड़ दिया जिसमें जो है कि 146 में से बाकी सभी लोग मारे गए। क्या संभव है कि 10 फीट कमरे में आपको जो है कि 146 लोगों को बंद करके रखा जाए? ऐसा संभव
नहीं है, ठीक ना। 18 फीट और 10 फीट 14 इंच कमरे में 146 लोग क्या भूसा की तरह, और वो भी जून के महीने में, संभव नहीं है। एक कोरी घटना थी जिसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता, लेकिन अंग्रेज इसी हॉलविल इसका प्रत्यक्षदर्शी स्वयं को बताया कि इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी हूँ, इसमें मैं भी शामिल था, 23 लोगों में से एक जीवित लोग मैं भी हूँ। नेक्स्ट देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल वर्दे आपके जिद हमारे 500 वीडियो लेक्चर, ई नोटबुक, टेस्ट सीरीज, आपको इसके साथ एक चीज, ये महत्वपूर्ण बातें आपके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए, आप इसे परचेज कर सकते। बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? बाण सागर परियोजना जो है, ये परियोजना आपको 3 राज्यों की परियोजना है, MP प्लस UP प्लस बिहार, ठीक ना, बिहार, ये 3 राज्यों की परियोजना है, और ये सब बहुत पुरानी परियोजना है, और ये आपको सोन नदी पर यह परियोजना आपको स्थापित है, ठीक ना। केन नदी पर केन परियोजना है, और नर्मदा नदी पर तो पूछिए मत, इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। हाँ, इंद्रावती पर याद रखिएगा, बोध घाट परियोजना जो है ये जल्दी नहीं मिलता, बोध घाट परियोजना इंद्रावती पर है, और इंदिरा सागर परियोजना जो है इस पे स्थित है, ठीक। तो ये प्रमुख परियोजनाएं हैं और हमारे आपके लिए काफी लाभप्रद भी मानी जाती है, इन परियोजनाओं से हमारे आपको काफी लाभ भी मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी? तो जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड, ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे के कारण क्या था? तो रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट जिसे बिना कानून, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा जाता है, यानी इसे अंधा कानून के नाम से जाना जाता है। बिना किसी साक्ष्य के आधार पर भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी के विरोध में पंजाब के 2 क्रांतिकारी नेता सैफुद्दीन किचलू और एक और नाम रहता है, ये दोनों आपको जो है विरोध करते हैं। दोनों के नेतृत्व में आंदोलन चलाया डॉक्टर सत्यपाल, ठीक ना, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में यह विद्रोह आपको जो है एक धरना प्रदर्शन शुरू किया जाता है, जिसके विरोध में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऐसी स्थिति में साधारण सभा बुलाई जाती है जालियांवाला बाग में, और उस दिन वैशाखी का दिन था। कौन सा दिन था? वैशाखी का दिन था, और सिख धर्म के अनुसार वैशाखी बड़ा पावन दिन माना जाता है, ठीक ना। तो इसी समय आपको जनरल ओडायर ने गोलियां चलवा दी, और ये इतिहास का एक बड़ा ही दर्दनाक घटना था। निहत्थे लोगों पर 1000 राउंड गोलियां चलवाई गई, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए, सरकारी रिपोर्ट चाहे जो भी कहे। और इसके जांच के लिए आपको हंटर कमीशन का गठन किया गया, हंटर कमेटी का गठन किया गया, और इसने जनरल ओडायर को निर्दोष साबित किया, कहा कि ये निर्दोषी है, कोई गलती नहीं किया, ऐसी हंटर रिपोर्ट में। और इसके बाद इसके विरोध में आपको जो है नाइटहुड की उपाधि जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा त्याग कर दिया जाता है, और आपको वायसराय की कार्यकारिणी से शंकर नायर ने आपको त्याग पत्र लगा दिया। ये बातें भी आप सब त्याग पत्र लगा देते हैं, ये बातें भी याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? तो भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव यदि देखा जाए तो 1929 ईस्वी में, ये गलत डेट लिखा है, 1929 ईस्वी में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आपको जो है के 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर इसे पारित किया गया, और इसी समय पूर्ण स्वराज से कम की बातें नहीं करने का
दृढ़ निश्चय किया गया और इसके अध्यक्ष किसने रखा प्रस्ताव, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये एलोरा का विख्यात शिव मंदिर किस राजवंश से संबंधित है, तो एलोरा का विख्यात मंदिर जो है कैलाश मंदिर, खासकर कैलाश मंदिर का निर्माण जो है एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, ये आपको मंदिर राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा आपको निर्माण कराया जाता है। एलोरा है कहाँ, तो ये आपको मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, औरंगाबाद जिला में है, ठीक ना। इसमें कुल गुफाओं की संख्या कितना है, तो गुफा की संख्या आपको जो है 34 है, और इस 34 गुफा में से एक से लेकर 12 तक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी इसमें कुल गुफाओं की संख्या कितनी हुई, तो 12 हुई। और फिर आपको बता दें कि 13 से लेकर आपको 29 तक, यानी लगभग 17 गुफाएं जो है ये हिंदू धर्म से संबंधित है, और आपको 30 से लेकर 34 तक, यानी 23, 31, 32, 33, 34, पांच गुफाएं जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक ना, जैन धर्म से संबंधित है। ये बातें आप लोग समझे रहिए, जाने रहिए, ठीक। तो ये बातें, यानी यहाँ की गुफा जो है हिंदू से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, जैन धर्म से भी संबंधित है, ठीक। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाले पहली महिला कौन थे, तो सरोजनी नायडू, सुश्री सरोजनी नायडू जी भारत के पहले राज्यपाल हुए थे, और किस राज्य के, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल हुई थी, जबकि राजकुमारी अमृत कौर जो थी ये प्रथम केंद्रीय मंत्री थी, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, ठीक ना, केंद्रीय मंत्री आपको जो है केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट, नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से हैंड रिटेन नोट्स दिया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी लाभदायक भी सिद्ध होगा, ठीक ना। तो जरूर से पढ़िए, आप सबके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इसे परचेज करिए और तहे दिल से मन लगाकर खूब पढ़ाई करिए। कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, तो सभी जगह का आपको पता होना चाहिए। कुचिपुड़ी आपको कहाँ का है, तो केरल का ही आपको है, तमिलनाडु का, सॉरी कुचिपुड़ी का रे, एकदम रुक जा बाबू, ये कथकली जो है ये आपको कहाँ का है, तो केरल का है। भरतनाट्यम जो है ये कहाँ का है, तो यहाँ का है। कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य जो है यक्षगान है, यक्षगान जो है कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। वैसे बता दें शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, जिसमें से कुचिपुड़ी, सॉरी कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल से है, ठीक, और कथक उत्तर प्रदेश से है, मणिपुर से मणिपुरी, उड़ीसा से ओडिसी, और आपको जो है के प्रमुख बातें हुई। मुसाद क्या है, महिलाओं की संपत्ति है, इजरायली गुप्तचर संगठन है, ईरान की संसद है, मोर्स कोड की कुंजी है, तो मोसाद जो है इजरायली गुप्त संगठन है, और मोसाद जो है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली गुप्त संगठन, सबसे शक्तिशाली गुप्त संगठन ये माना जाता है। ये बातें आप लोग याद किए रहे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, ठीक ना, तो जैन ग्रंथ पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन है, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व, तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथों को 14 पूर्व कहा जाता है, जबकि मौलिक
जैन ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो आगम कहा जाता है, ठीक ना। मौलिक जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। महावीर स्वामी के द्वारा आपको किस भाषा में उपदेश दिया जाता है? तो अर्ध मागधी भाषा में। लेकिन जैन ग्रंथ जो है ये प्राकृत भाषा में लिखे गए, ठीक। 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 जो है कि सल्व सूत्र, ये सभी आपको बातें, ठीक। तो निम्न में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भेल गुजरात में पाई जाती है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में भी गद्दी है, भील जो है ये राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, कोटा तमिलनाडु में, टोडा जो है यही आपको गलत है। टोडा कहाँ है? तो ये आपको तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है, तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में, नीलगिरी क्षेत्र में आपको पाई जाती है। और इस जनजाति के द्वारा जो है बहुपति प्रथा आज भी प्रचलित है। और इतना ही नहीं, पति लोग जो है ये पत्नी के घर रहते हैं, ये बात भी इस जनजाति में प्रचलित है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, देखिए निम्न नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? तब आप ये हरिद्वार में, ऋषिकेश में, रुद्रप्रयाग में या देवप्रयाग में, तो आप सीधी सीधी बातों को जान सकते हैं। अलकनंदा और धौली गंगा, ये आपको अलकनंदा प्लस धौली गंगा ये आपको कहां मिलते हैं? तो ये दोनों विष्णुप्रयाग में आपको मिलते हैं, ठीक ना। विष्णुप्रयाग, अब यहीं पे अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, ये आपको कहां मिलते हैं? तो नंद प्रयाग में ये बातें। फिर आपको जो है अलकनंदा प्लस आपको जो है कि जो नदी है वो आपको पिंडार नदी, ठीक ना, पिंडार नदी और अलकनंदा तथा मंदाकिनी, ये आपको जो है, अब ये अलकनंदा और मंदाकिनी कहां मिलते हैं? तो रुद्रप्रयाग में। और आपको अलकनंदा और पिंडार ये कर्ण प्रयाग में मिलते हैं, जबकि भागीरथी और अलकनंदा जो है ये देव प्रयाग में आपको प्राप्त होते हैं। हरिद्वार से गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ये बातें भी आप लोग जो है याद रखे रहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से संचालित है और ये बुक बड़े ही मेहनत से, लगन से, और वीडियो का एग्जाम भी आप सबको बता दूं कि जून तक आपको इसका भी नोटिफिकेशन जो है परीक्षा हो जाना चाहिए। जिस तरह से 100 दिन रोजगार अभियान केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, यानी तीन महीने के भीतर लगभग सारे पूर्व के एग्जाम और जो नए एग्जाम होने हैं इसमें आपको रोजगार सुलभ करा दिया जाएगा, तो इसलिए फटाफट आप सब अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। क्रिप्स योजना को दिवालिया बैंक के नाम से भविष्य की तिथि भुगतने वाले चेक की संज्ञा किसने दी थी? गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो क्रिप्स मिशन जो था ये आपको 11 मार्च को इसका गठन हुआ, 11 मार्च 1942 ईस्वी को, ठीक ना। और ये आपको 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया और 31 मार्च 1942 को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस मिशन के अध्यक्ष स्टीफर्ड क्रिप्स थे और इनके साथ वार्ताकार कौन था? तो वार्ताकार एक तरफ से गांधी जी प्लस मोहम्मद अली जिन्ना ये दोनों वार्ताकार थे। और इसमें आपको जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव की काफी आलोचना किया और आपको इसके निंदा की, ठीक ना।
चलिए नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण संविधान के निर्माण में कुल कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान जो है ये निर्माण हो गया था। यदि पूछा जाए कि कुल धन कितना लगा तो धन बताएगा 63,96,729, 63,96,729 रुपए आपको खर्च हुआ, रुपए खर्च हुआ संविधान के निर्माण में। यानी उस समय सोचिए 63,00,000 रुपए संविधान के निर्माण में खर्च हुआ। ठीक, बहुत बातें। संविधान सभा किसकी सिफारिश पर? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक ना, ये बातें आप सब लर्न करते चलिएगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किस ने आश्रय के रूप में किया था? तो ये बराबर की गुफाएं कहाँ है? तो ये बराबर की गुफाएं औरंग आपको जो है गया से जहानाबाद, जहानाबाद जिले में है, जो गया से 24 किलोमीटर दूर है। गया से 24 किलोमीटर आपको दूर पर ये स्थित है और ये आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण अशोक तथा दशरथ के द्वारा, अशोक प्लस दशरथ, दशरथ के द्वारा आपको इसका निर्माण किया गया था। कर्ण चौपर, आपको सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, आपको लोमहर्ष, ठीक ना, लोमहर्ष, कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी, झोपड़ी, सुदामा गुफा, सुदामा गुफा, ये सबके सब अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो बहमनियों से गोवा छीनने वाला हरिहर द्वितीय था। और हरिहर द्वितीय की बात की जाए तो 1377 से लेकर इसका शासनकाल 1400 आपको जो है कि 1404 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। यह विजयनगर का पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। विजयनगर साम्राज्य के स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना आपको कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का राय ने किया था। हरिहर प्रथम और प्लस बुक्का राय द्वारा किया गया। अपने पिता संगम के नाम पर इस साम्राज्य की स्थापना की गई। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो गोलकुंडा का युद्ध जो था ये कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा गया था। ये आपको कृष्णदेव राय, इनकी बात की जाए तो इनके शासनकाल के विषय में पहले जान लेते हैं। इनका शासनकाल जो था ये काल कब से कब? तो 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। ये सबसे महान शासक थे, सबसे महान शासक माने जाते हैं। साथ ही साथ जो है इनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इन्हीं के शासनकाल में जो है विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण करवाया। और इसके अलावा भी इनके द्वारा कई महत्वपूर्ण, जैसे नांगलपुर नामक नगर बसाया। साथ ही साथ जो है कि इनके द्वारा एक ग्रंथ आमुक्त माल्यद ये जो है कि माल्यद ये तेलुगु भाषा में लिखा गया है। ठीक ना, तेलुगु भाषा में लिखा गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। तो ये सारी चीजें इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। तो इस तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला समाप्त हुए। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ संध्या, वंदे मातरम, और शानदार तरीके से जुड़े रहिए। खासकर जो मेरे सुबह के बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक ना, तो वो लोग हमेशा बड़े ही शानदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं। ईश्वर करे कि वो अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करें। ठीक, तो आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
कल मिलते हैं 10 बजे करंट के महामैराथन में। सभी लोग उपस्थित रहिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लगभग आपको करंट के 150 प्रश्न हैं, सिर्फ टिक मराने का काम करूँगा, आप जरूर से उपस्थित रहिए, ठीक ना। तो जय हिंद, जय भारत।